टेक स्टेप्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप ट्रू कॉलर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों मैं ट्रू कॉलर ऐप को ओपन कर लेता हूं। दोस्तों ट्रू कॉलर ऐप ओपन हो चुका है। अपने अकाउंट को ट्रू कॉलर से डीएक्टिवेट करने के लिए ऊपर की तरफ सर्च बॉक्स में राइट साइड में 3 डॉट्स हैं, इस पे टैप कीजिए। टैप करते दोस्तों एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें सेटिंग्स सबसे आखिरी ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप कर दीजिए। टैप करते दोस्तों सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन है प्राइवेसी सेंटर का, इस पे टैप कीजिए। टैप करते दोस्तों प्राइवेसी सेंटर से रिलेटेड सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइए और यहां आपको मिलेगा डीएक्टिवेट का। एक अकाउंट को ट्रू कॉलर से डीएक्टिवेट करने के लिए इस डीएक्टिवेट के बटन पे टैप कर दीजिए। टैप करते ही दोस्तों आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो यहाँ जितने भी चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं उसको चेक कर लीजिएगा और नीचे यस और कंटिन्यू की बटन इनेबल हो जाएगी, इस पर टैप कर दीजिएगा। आपको फिर से एक मैसेज मिलेगा, नीचे कंटिन्यू की बटन है इस पर टैप कर दीजिएगा। अब ट्रू कॉलर आपसे डीएक्टिवेट करने का रीजन पूछ रहा है, तो आपका जो भी सही रीजन है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो अदर रीजन पर टैप करके आप जिस भी वजह से डीएक्टिवेट कर रहे हैं उसे वहां मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए कोई भी एक रेंडम रीजन सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे कंटिन्यू का बटन है इस पर टैप कर देता हूं। अब आपसे नेक्स्ट स्क्रीन में प्लीज कंफर्म योर अकाउंट डीएक्टिवेशन आएगा, नीचे डीएक्टिवेट की बटन आ जाएगी, इस पर टैप कर आप अपना ट्रू कॉलर का अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर आप ट्रू कॉलर ऐप से अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में।